यहाँ पे लेंगे हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, लहसुन और कुछ प्याज। तो इन सबों को इस चॉपर में डाल के हम अच्छे से चॉप्ड कर लेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की सबसे फेमस रेसिपी लिट्टी। तो यहाँ पे मैं अभी पेड़ से नींबू तोड़ करके लाई हूँ, तो ये बिल्कुल ही फ्रेश और ताज़े नींबू हैं। तो इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक बोल, उसमें लेंगे हम सत्तू, और अब हमारा जो मेन प्रोसेस होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम डालेंगे चॉप्ड किए हुए जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, ग्रीन चिली, अनियन, जिंजर और गार्लिक। तो इन सबों को चॉप्ड हम लोगों ने कर लिया था चॉपर में, तो इन सबों को मिला देंगे हम सत्तू में। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हमने ऐड किया है यहाँ पे सॉल्ट। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेमन जूस। तो ये जो फ्रेश लेमन हम लोगों ने कट किया है, इसका जो रस है बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेंगे। देखिए कितना जूसी लेमन है, इसमें से बहुत सारे रस निकल रहे हैं। तो ये सारे के सारे नींबू हैं जो मैंने दो पीस लिया था, ये दो पीस लेमन में इस जो मिक्सचर है हमारा इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। रुकिए, अभी हमारे इंग्रेडिएंट ख़त्म नहीं हुए हैं। यहाँ पे हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है आम के अचार का मसाला। ये हमारे लिट्टी की जो टेस्ट है उसको बहुत ही अच्छे से इन्हेंस कर देता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे इस मिक्सचर का। तो बिहार की स्पेशल लिट्टी में अभी एक इंग्रेडिएंट और है जो कि बहुत ही स्पेशल और मेन है। ये इंग्रेडिएंट है सरसों तेल। तो यहाँ पे सरसों का जो तेल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आम के अचार का मसाला ज़रूरी है, वैसे ही सरसों का तेल ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस मिक्सचर का। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो चलिए इसका जो हम डो है वो रेडी कर लेते हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम लगाते हैं डो। तो डो के लिए यहाँ पे आटे में हम डालेंगे मंगरेल और जवाइन। तो सबसे पहले मंगरेल डालेंगे और फिर जवाइन डालेंगे। ये बस टेस्ट को इन्हेंस कर देता है और इसका जो कलर है वो देखने में बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और फिर इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे। तो चलिए आटा भी हमारा गूंद के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे स्टफिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डो में से एक बोल को कट करेंगे और इसको सर्कुलर सा एक शेप दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे। तो ये बिल्कुल राउंड शेप हमने दे दिया है। अब हम इसमें फिल करेंगे अपने मिक्सर को। तो सबसे पहले हम बॉल्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे बॉल्स को रेडी कर लूँगी, उसके बाद हम फिल करेंगे मिक्सर को। तो चलिए तैयार करते हैं फेमस बिहार की लिट्टी। तो यहाँ हम फिल करेंगे मिक्सचर को। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से फिल करना है और दोनों जो थंब की हेल्प से इसे प्रेस करना है और फिर इसे राउंड सा शेप दे करके रेडी कर लेना है। बस बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है इसको फिल करने का। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी लिट्टियों को रेडी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर साइड में मैं गैस पर ऑयल भी चढ़ा दी हूँ। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम रेडी कर लेते हैं इन सभी लिट्टी को। तो आज हम जो लिट्टी बना रहे हैं वो छानने वाला बना रहे हैं। एक और मेथड की जो लिट्टी है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, जो कि हमने बनाया था उपले पे। मीन्स जो गोहरा होता है उपले, कहीं उपले भी बोले जाते हैं, कहीं उपले उसे गोहरा भी बोला जाता है। तो उस पर सेक करके जो लिट्टी होता है वो ऑथेंटिक लिट्टी है, मतलब कि वो ही लिट्टी पहले बनाई जाती थी। तो वो मेथड की लिट्टी भी हमारे चैनल पे उसकी रेसिपी भी अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम तो यहाँ पे बना रहे हैं छानने वाली लिट्टी। तो ये हम देखिए यहाँ पे अच्छे से स्टफिंग करके लिट्टी को रेडी कर लेंगे। अब हम इन सभी लिट्टी को डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लिट्टी। यहाँ पे हम एक एक करके सभी लिट्टी को फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बबल्स आ रहे हैं लिट्टी पे, मतलब ये जो ऑयल है वो परफेक्ट गर्म है। यहाँ हमारी जो लिट्टी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसे सर्व कर रहे हैं टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यू जस्ट ट्राई दिस रेसिपी फॉर वंस, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स।
and share with your family and friends. Thanks for watching this video.